आप देख रहे हैं BC24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रोजगार मेले में 193 युवक युवतियों का हुआ चयन। स्थानीय संगम महिला आजीविका संकुल स्तरीय संगठन जनपद पंचायत परसवाड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयदेव शर्मा, दिलीप गोंड जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन स्वरोजगार आजीविका मिशन बालाघाट, आजीविका मिशन विकास प्रबंधक संदीप चौरसिया, संगम अध्यक्ष श्रीमती कुंता चौधरी के द्वारा मां सरस्वती जी के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित, पूजा अर्चना कन्या पूजन कर मेले का शुभारंभ किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर, जिला पंचायत CEO एवं जनपद पंचायत CEO BPM RL के आदेश के अनुरूप व्यापक प्रचार कर मेले को सफल बनाया, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा ने रोजगार मेले से लाभ लेने आए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। वह विशेषकर सुदूर ग्राम माटे पालागोंदी 40 बोड़ी से आए युवक युवतियों को लाभ लेने हेतु विशिष्ट सलाह दी गई। जिला प्रबंधक दिलीप गोंड द्वारा रोजगार मेले के आयोजन की शासन के मंशा अनुरूप उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उक्त मेले में 13 कंपनी क्रमशः वर्धमान याराना, रायसेन पार्कसंस, नरसिंह जबलपुर, LIC बालाघाट, SIH नीमच, प्रगति होम केयर छिंदवाड़ा, वर्कफोर्स वारासिवनी, रेडीमेड गवर्नमेंट कंपनी बेंगलुरु, रिवाइवल फर्स्ट, कुलोदय टेक्नोपैक, DDUGKY बालाघाट, विश्व शांति जन कल्याण संस्था बालाघाट, जॉब प्लेसमेंट बालाघाट मेले में उपस्थित हुई। उक्त मेले में कुल 262 युवक युवतियों का पंजीयन किया गया, जिसमें 193 युवक युवतियों का चयन किया गया। इस अवसर पर पत्रकार विशाल महानंद, राकेश मिश्रा, अशोक गिरी गोस्वामी, नरेंद्र शरणागत, हर्ष पांडे, PCO जनपद बैयर, सुशील मिश्रा बिरसा एवं आजीविका मिशन से अशोक ठाकरे, अक्ल सिंह कुलेश, प्रशांत कुमार कोल, सीमा खोबरागड़े, NRETP से अनिल आर्य, भूपेंद्र लोधी व संगम सचिव संगीता, VK लेखापाल, चुनेश्वरी ठाकरे, पार्वती कटरे, बैंक सखी सोनम ठाकरे, लक्ष्मी राहंगडाले, हेमलता पटले, राजेश वेल जी, अंकित सावरे ने मेले को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। MPCG24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए बालाघाट परसवाड़ा से उमेश बिसेन की रिपोर्ट।